आप ये कपड़े पहन के थोड़ा ना जाएंगे क्लासिकल डांस सिलेक्शन के लिए। आप ये पहने लीजिए। तुम भूल रही हो, मैं दुआ को क्लासिकल डांस सिलेक्शन में सिर्फ ड्रॉप करने जा रहा हूँ। मैंने क्या पहना, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आप सिर्फ ड्रॉप करने नहीं जा रहे, आप भी तो डांस करेंगे ना, तो ये लीजिए पकड़िए। मैं? ये कब हुआ? ओ हेलो, हमने डिस्कस किया था ना, वो डांस क्लास पार्टनर्स की डांस क्लास है। और वैसे भी दुआ तो मेरी पार्टनर बनना नहीं चाहती, तो वो आप ही को उसका पार्टनर बनना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुझे क्लासिकल डांस का सी भी नहीं आता चाहत। आई थिंक नील, अब आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। जो काम कभी आपने लाइफ में नहीं किए ना, वो अब आपसे आपके बच्चे करवाएंगे। इसीलिए ये लीजिए, जाके तैयार हो जाइए, मैं आपको क्लासिकल डांस के बेसिक सिखा दूंगी। मैं जानता हूँ तुम बच्चों के नाम से मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रही हो। ऐसे हो गया आपका? सब जानता हूँ। आप पकड़िए और जाइए, चेंज करके आइए, जल्दी जाइए, मैं वेट कर रही हूँ। लूंगी। अब साउथ इंडियन डांस करने जा रहा हूँ, तो पहनावा भी तो वैसे ही होगा ना। और तुम तो जानती हो ना, मैं ऑथेंटिसिटी में कितना बिलीव करता हूँ। चलो सिखाओ। लेकिन इतना एनर्जेटिक डांस फॉर्म है, मुझे आपकी लूंगी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बट ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। तो नील, सबसे पहले तो हमें प्रणाम करना है। इतना अच्छा डांस कर रहा हूँ मैं, खुद को रोक नहीं पाई ना मेरे पास आने से। ओ हेलो, अगर मैं आपके पास नहीं आती ना, तो आपकी लुंगी आपके पास नहीं रहती। ओ भयंकर। हाँ, तो क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं होता ये सब, तुम तो पत्नी हो ना मेरी। हाँ नीला, आप ना कुछ भी बोलते हैं। मत जाओ ना। मिस्टर नीलकंठ बड़ध्यानी, आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही है। और अगर आज मेरी बेटी सिलेक्ट नहीं हुई ना कंपटीशन में, तो घर आकर मैं आपकी बहुत क्लास लूंगी। ये सही है, पहले जबरदस्ती ये जिम्मेदारी मुझे दे दी और ऊपर से धमकी भी दे दी। जबरदस्ती नहीं नील, मजबूरी है। मेरा तो बहुत मन कर रहा था कि मैं दुआ के साथ डांस करूं। अब देखते हैं, दोनों माँ और बेटी जरूर सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं नील, दुआ के मन में जो मेरे लिए नफरत है वो कब खत्म होगी। अब्बू, मैं तैयार हो गई हूँ, चलो डांस क्लास के लिए चलते हैं। जाइए, ऑल द बेस्ट। कुछ तो करना पड़ेगा जिससे चाहत दुआ के साथ डांस में पार्टिसिपेट कर पाए।
Bienvenue à Paris, madame. ये सब क्या है? Welcome to Paris. An evening in Paris. और मुझे लगा तुम्हारा देवप्रयाग में ऐसे मूड खराब हो गया होगा तो तुम्हारे मन में सड़े सड़े विचार आ रहे होंगे, तो मुझे लगा तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा. तुम बैठ के सोच रही होगी मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मेरी बेटी मुझसे प्यार नहीं करती वगैरह 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 वगैरह, लेकिन मुझे इस बात की ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं है. सब झूठ है, और इसलिए मैं तुम्हें यहां ले आया पेरिस में. मुझे लगा तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा. नील, अभी मेरा इन सब चीजों का मूड नहीं है, और वैसे भी मैं तुमसे पूछा किसी ने कि तुम्हारा मूड है या नहीं? क्या नजारा है ना, बैकग्राउंड में आईफिल टावर, फोरग्राउंड में इश्क का पावर. अभी मुझे समझ में आया कि पेरिस को रोमांटिक शहर क्यों कहते हैं. और वो रोमांटिक डेट ही क्या, जहां पर हस्बैंड के हाथों से बना हुआ खाना ना हो. तो प्रेजेंटिंग नील भट्ट स्पेशल पिज्जा पराठा विद एक्स्ट्रा चीज. पिज्जा पराठा एंड प्रिटी वुमन, जिंदगी के मजे हैं. करो आ आ आ. तुमसे कितनी बार कहा है ना मैंने कि हमारे बीच में नो थैंक्स नो सॉरी. हाँ, लेकिन प्यार जताने का एक और तरीका है. चुप जाओ. लेकिन नील, मैं हूं ना, ट्रस्ट मी. गो. आया दुआ. काबिल, डॉक्टर चाहत यहां कैसे होगी बेटा? वो तो मरीजों का इलाज कर रही है ना, नाइट शिफ्ट लगी है उसकी. मुझे बहुत नींद आई अभी, चलो. मुझे भी. आ जाओ नीनी, आइए ना, कम आ जाओ. आइसक्रीम जितना प्यार करती है तुम्हारी बेटी तुमसे, और तुम बिना बात के मूड खराब कर रही हो.
एंड आई प्रॉमिस तुम दोनों के बीच में ना मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगा। मैंने डांस सिलेक्शन कमेटी मेंबर से बात कर ली है, कल से तुम और दुआ दोनों डांस क्लास में जा रहे हो पार्टनर बन के, और दुआ को मनाना मेरी जिम्मेदारी है, नॉट वरी। मैडम ये जितने भी प्रतियोगी हैं इन सबको नृत्य से पहले शिव जी की वंदना करनी पड़ती है क्या? हाँ बिल्कुल, नटराज के रूप में शिव जी ही तो नृत्य के देव हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि अगर कोई दूसरे धर्म का हो और शिव जी की वंदना ना करना चाहे तो? इतनी बड़ी कोई बात नहीं नोटियाल जी, ये तो बस एक रिवाज है और डांस तो हर धर्म के लोग कर सकते हैं, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। आलेख जी आइए आप। धन्यवाद। दुआ ध्यानी स्टेज पे जाइए और अपनी मॉम को बुलाइए। दुआ की मदर प्लीज स्टेज पे आइए। दुआ अपना परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले शिवजी की वंदना करना। मम्मी तो मना कर देगी और मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। दुआ बेटा मेरे साथ तुम भी शिवजी की वंदना करो। अलकनंदा ध्यानी दुआ की माँ। दुआ बेटा शुरू करें। ये चाहत की जगह अलकनंदा दुआ के साथ डांस क्यों कर रही है? चाहत कहाँ है?
शाहद, शाहद ये सब क्या हो रहा है? और वहां वो अलकनंदा तुम्हारी जगह दुआ के साथ क्यों डांस कर रही है? मैं अपने जाकर ये परफॉर्मेंस बंद करवाता हूँ। नील, नहीं, नहीं तो दुआ का सिलेक्शन नहीं होगा। आप प्लीज रुक। नील, आप प्लीज को साथ छोड़िए ना। अरे नील वो तो जिद्दी है। आप एक काम कीजिए, आप बस कुछ वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तुझे सब कहेंगे वो तो मान लोगे, तुम्हारी खुद की कोई मर्जी है या नहीं? ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? जब तक तेरी भाभी वो बेतुकी शर्त वापस नहीं लेगी ना, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। इस घर का कोई भी फंक्शन चाहत के बिना पूरा नहीं होगा। अरे भैजी, मैंने भाभी को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो किसी की बात समझने को तैयार नहीं। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। बोला ना शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। चल निकल, नवेली के आसपास दिखाई मत देना, चल निकल। लेकिन भैजी, भाभी वो हमारी, बहुत समझाया मैंने। भैजी ऐसे नहीं मानेगा ना तू? भैजी चल। नील, चल निकल यहां से, चल जा। नील भैजी क्या कर रहे हैं आप? आप जानते हो ना भूपेंद्र बचपन का दोस्त है आपका। इसी बात का तो बुरा लग रहा है मुझे, बचपन का दोस्त है मेरा ये। आज इसकी खुद की भाभी गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रही है। लेकिन भैजी मैं बस बोपू, मैं यार बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे और परेशान मत कर, जा यहाँ से। नील भैजी, नील भैजी भैया, अभी नील बहुत गुस्से में है, अभी रहने दीजिए, मैं उनसे बात करूंगी। या अल्लाह, अब दुआ बस को इज्जत ना करे, नहीं तो नील के गुस्से का तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज से बाहर का पिज्जा बर्गर खाना बंद, सब घर का बना हुआ खाना खाएंगे, ठीक है? खिचड़ी मुझे नहीं खानी है। खिचड़ी घर में अगर खिचड़ी बनी है तो खिचड़ी ही खानी है, समझ में आई बात? मुझे खाना ही नहीं खाना। दुआ, दुआ चाहत नील, लेकिन चाहत जाने दो उसे, एक दिन खाना नहीं खाएगी तो कुछ नहीं होगा। और वैसे भी जैसे इसका बिहेवियर है ना, इसके साथ सख्ती बरतना बहुत जरूरी है। लेकिन नील, तुम्हारी वजह से अम्मी इतनी परेशान है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ बैठकर कार्टून देख रही हो। तो अब कार्टून से भी आपको प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। अगर कार्टून देखना चाहती हो तो नीचे जाओ, खिचड़ी खाओ, अम्मी को सॉरी बोलो, तब जाके टीवी का प्लग ठीक होगा, समझी? या अल्लाह, दुआ ने कुछ खाया भी नहीं है, भूखे पेट उसे नींद कैसे आएगी?
बेचारी ऐसी ही सो गई। भैया का कॉल? भाभी सब कुछ खत्म हो गया। भाभी भाभी बेकरी चल गई, बेकरी में आग लग गई। भाभी 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 नील भेजी का फोन भी नहीं लग रहा है। भाभी भाभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। भाभी बोबो भैया फिक्र मत कीजिए, मैं आ रही हूँ वापस। नहीं नहीं, नील तो सारे दिन काम करके थक कर सो गए होंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं अकेले चले जाती हूँ। आप आइए, आप रिलैक्स कीजिए ना। हो क्या गया तुम्हें, अभी भी चुप क्यों हो तुम? बच्ची को खोना है क्या? नहीं देख सकता मैं तुम्हारी जगह किसी और को लेते हुए। अलकनंदा को इतना बढ़ावा क्यों? मैं अभी के अभी डांस अकेडमी फोन करूंगा, उनको बताऊंगा कि दुआ के असली मां तुम हो। अरे नील नील प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप कॉल करेंगे तो अकेडमी वालों को पता चल जाएगा कि अलका उसकी असली मां नहीं है, और फिर दुआ को डांस अकेडमी से निकाल देंगे। हाँ तो दूसरी अकेडमी ढूंढ लेंगे यार। अरे नील प्लीज मत कीजिए ना कॉल। चाह तुम मुझे आज फोन करने से रोक नहीं पाओगी, बात खत्म। क्या करूं अल्लाह मियां? ये क्या था? आप ही कहते हैं ना कि श्लोक और दुआ के अम्मी अबू बनते बनते हम नील और चाहत बनना भूल गए हैं, तो आज नील और चाहत साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। चलिए नील, साथ मिलकर अच्छी सी रोमांटिक मूवी देखते हैं। सोचते हैं, लेकिन पहले जो काम शुरू किया उसको खत्म तो करें। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूं फिर एक दफा, बात बिगड़ी बस इतना ही है इस कदर यहां? दिल है टूटा, टूटे हैं हम तेरे बिन, अब न लेंगे एक विदम, तुझे कितना चाहे और हम, तुझे कितना चाहे और हम। और वो बाबा का रूम है ना, उसकी खिड़कियां खुली रह गई हैं, और मुझे खिड़कियां बंद करनी होगी, नहीं तो मच्छर आ जाएंगे। मैं जाती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? विंडो बंद करनी है, ये करनी है, वो करना है, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा आज, ना मक्खी ना मच्छर। अब छोड़िए ना मुझे, आपको शर्म नहीं आती अकेली लड़की का फायदा उठाते हुए? शर्म तो मैंने बेच खाई, तभी तो मैं दो बच्चों का बाप बनाऊ ना। और अगर आज कुछ हो गया ना तो फिर से जुड़वा बच्चे, इसका मतलब दो की जगह चार। अगर ऐसा है तो ये काम मैं रोज रोज करने के लिए तैयार हूँ। जब तक क्रिकेट टीम खड़ी नहीं हो जाती ना, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ओह नो प्लीज, बैंकर एप्लीकेशन रिजेक्टेड। बाबा के रूम की खिड़की बंद करना ज्यादा जरूरी है, मैं जा रही हूँ। अच्छा चाचा सुनो ना, भोपू को बुरा तो नहीं लगा होगा ना, मैं रात को उससे मिलने नहीं गया और तुमने भी मुझे उठाया नहीं। देखो वो बात अलग है कि मुझे नवेली और भोपू का रिश्ता भले ही मंजूर ना हो, लेकिन है तो मेरे बचपन का दोस्त ना। नहीं नील, उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा,
इनफैक्ट अच्छा हुआ कि आज आप उनसे मिलने नहीं गए, नहीं तो आपको फेस नहीं कर पाते। एंड बाय द वे, आप प्लीज ये बोलना बंद कीजिए ना कि आपको उनका रिश्ता मंजूर नहीं है। अब अगर नवेली और भूपू भैया एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनका रिश्ता जुड़ना चाहिए। देखो चाहत चाहत बात वो नहीं है। हेलो हेलो हेलो, हम मुझे कुछ नहीं समझ रहा नील। हेलो, लगता है मैंने बाबा के रूम की विंडोज बंद नहीं की ना, तो मुझे वो करना पड़ेगा। हेलो, आपको पता है अर्का माँ, मैंने तो इसका नाम भी रख दिया है। अरे वाह, नाम रख भी दिया। इसका नाम है टिंकू मिया। तुम्हें पसंद आया ना तुम्हारा नाम? चलो हैंडशेक करो। अलका माँ, आपने देखा ना, इसने मेरे साथ हैंडशेक किया। दुआ, नीलकंठ जी के सामने तुमने सारा इंजाम अपने ऊपर क्यों ले लिया? तुम्हें पता है ना इसे मैं लाई हूँ। आपने भी तो मेरे लिए कल डांट खाई थी ना, तो थोड़ी सी डांट मैं आपके लिए नहीं खा सकती। अब प्लीज ये मत बोलना कि तुम्हें इससे डर लग रहा है। टिंकू मिया डरावने नहीं है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहे हैं, तो फिर तुम डॉक्टर चाहत के पास जाके बैठ जाओ। और वैसे भी वो तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करती है। यही तो भूल कर रही हो तुम। माँ तो मुझसे अधिक तुम्हें प्रेम करती है, इसलिए तो उन्होंने टिंकू मियां को घर पे रखने दिया। तुम्हें सच में लगता है कि अम्मी मुझसे ज्यादा प्यार करती है? हाँ हाँ, मैं तो ये बात प्रूव भी कर सकता हूँ। चलो आओ मेरे साथ। अलका माँ, आप टिंकू मियां का ध्यान रखिए, मैं अभी आती हूँ। चलो। मीना आंटी, अगर आप टेस्ट कराने से इतना डरेंगी तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे क्या ट्रीट करना है? टेस्ट तो करवाना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन आप घबराइए मत, बहुत सिंपल होगा। हाँ, मैं समझती हूँ आपको डर लग सकता है, लेकिन अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे रिजल्ट मिलेगा? मैं आप इधर बैठो। हाँ ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, आप पर ध्यान रखिए अपना। क्या हो गया श्लोक बेटा? मैं तो बस आपके फोन खत्म होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि दुआ को बताना है ना कि आप मुझसे ज्यादा दुआ से प्यार करते हो। मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। डॉक्टर चाहत मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती है, वो तो अभी पता चल जाएगा दुआ। हाँ, कैसे साबित करने वाला है तू? दुआ, तुम्हें लगता है कि माँ तुमसे झूठ बोल रही है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन दिल की धड़कनें तो झूठ नहीं बोलती। तुम माँ की दिल की धड़कनें सुनो, तुम्हें अपना पता चल जाएगा कि माँ किससे ज्यादा प्यार करती है। रुको अभी। श्लोक, तुम क्या कर रहे हो? दुआ 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 दुआ
दुआ। चाहत, हाँ? ये क्रॉसवर्ड मैं कब से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। ये प्रार्थना को उर्दू में क्या बोलते? दुआ। क्या? दुआ। दुआ? हाँ बाबा, दुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे पर को बता रही है कि तेरे दिल की धड़कन में उसका नाम है लेकिन बच तो फोन रहा है तेरे पीछे।